Hello and assalamu alaikum in my very tutorial series which is the अब इस tutorial में बात करेंगे हम size box के बारे में and first we have to look what is the size box. Here is a size box, brother. Size a box with a specific size. It's called the specific size box class. Okay, so let's move into the deep code. The code में जाते हैं, क्या करते हैं भैया? पहले इसको रन करके देखते हैं कंटेनर को. आवर ऑल टाइम यूज्ड विच इज इन एग्जांपल्स. अब क्या करते हैं, अब उन जस्ट सपोज करो कि आप चाह रहे हो, व्हाट डू यू वांट इस कंटेनर की, आप इस कंटेनर को आप एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ देना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि वो चेंज ना हो. तो यहाँ से तो हम इसको दे सकते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक, यहाँ पर भी हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही दी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको चाह कर भी चेंज ना कर पाऊँ यहाँ से, मतलब यहाँ से मैं चाह कर भी चेंज ना कर पाऊँ, तो हम क्या करेंगे? तो भैया क्या करेंगे भैया, हम जाएंगे रेप विद द विजिट में, वहाँ पर हम साइज बॉक्स में जाएंगे. क्या बोलती है पब्लिक? साइज बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर हम इसकी हाइट विड्थ एंड हाइट मेजर करेंगे. दादा मैं चाह रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा ना हो, यहाँ पर भी 100 हो. ओके, सो अब इस कंटेनर की साइज 150 से होकर 100 ऊपर आ जाएगी. भैया देख लियो तू, आ गई. अब यहाँ अब इसको चेंज करना चाहो भी तो चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पर मैं 250 लिख रहा हूँ, बट इट डजंट इवन मैटर ब्रदर, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, कुछ भी कर लो. क्यों कन्या ही गई हो भैया, यहाँ ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए अच्छा है इसको यहाँ ही हटा दो, बेहतरीन काम कर रहे होगी भैया. मकसूद भाई बेहतरीन काम करते हो, एक जारी की जमीन जो बनती है भैया, इसको हटा दिया यहाँ से हमने. अब क्या करना है हमने? ओके सो अब इसके चार अलग मेथड्स हैं इसके साइज बॉक्स के, तो वो ऑब्वियसली वी आर हेयर टू यूज़ देम ब्रदर. सबसे पहले एक्सपेंड यूज़ करते हैं. अच्छा एक्सपेंड में आप एक्सपेंड में हाइट और विड्थ जो है ना आप उसको दे नहीं सकते, क्योंकि उसमें अपना एक्सपेंड मेथड जो है उसमें बाय डिफॉल्ट आपकी हाइट और विड्थ होती है इन्फिनिटी पे होती है. चलो इसको रन करके देखते हैं, मतलब सारा आपका अवेलेबल स्पेस चेक कवर कर देगी. एक्सपेंड में सारा स्पेस कवर कर देगा, मतलब जो उसके पेरेंट का स्पेस होगा ना वो सारा स्पेस कवर कर देगा. तो यहाँ पर हमारा हमारा जो साइज बॉक्स की पेरेंट है वो है बॉडी, तो बॉडी का जो सारा स्पेस होगा वो साइज बॉक्स कवर कर देगा. ओके बॉस, अब क्या है अपनी बस अपने पास और है अब श्रिंक. श्रिंक में मतलब श्रिंक में क्या करेगा, श्रिंक में सिंपली आपके विजिट को, चाइल्ड विजिट को जितना वो पॉसिबली छोटा कर सकता है उतना करेगा, मतलब ये हमें नज़र नहीं आएगा. क्या होगा इसकी हाइट और वेट दोनों जीरो हो जाएंगे, तो हमें क्या खाक नज़र आएगा. तो शायद शेयरिंग में ये होता है भैया. और अपने फ्रॉम साइज में क्या होता है, फ्रॉम साइज में आपका भैया ये होता है कि आप एक अदर साइज देते हो उसको और क्या करते हैं आप ये यूज़ करते हो, साइज मेथड यूज़ करते हो जिसके अंदर आप विड्थ भी देते हो और आप इसको हाइट भी देते हो. ओके विड्थ भी देते हो आप इसमें हाइट. ओके लेकिन अब फ्रॉम साइज और जो अगर हम ये कोई भी मेथड यूज नहीं करें तो में फ़र्क क्या होगा यार? तो मैं फ़र्क ये होगा कि देखो फ्रॉम साइज में आपको ये जो साइज़ है इसमें आपने दोनों पैरामीटर्स रखने होते हैं, मतलब एक पैरामीटर से काम नहीं होता, ऑप्शनल कोई भी चीज़ नहीं इसमें. लेकिन इसको लेकिन यहाँ पर मैं अगर ये हटा देता हूँ तो ये होगा कि आपने क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप हाइट देते हो ऑब्वियसली आप हाइट दे रहे हो, अगर आप विड्थ नहीं दे रहे तो भी वो चीज़ नज़र नहीं आएगी. लेकिन इसमें ये तो एटलीस्ट होगा कि अब अगर इसमें कोई वैल्यू, इसमें अगर कोई हम विड्थ ऐड नहीं भी ऐड करते तो क्या होगा कि हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा.
कंटेनर कलर ओके, लेकिन इसमें मैंने कोई साइज विड्थ तो दी नहीं। अच्छा ओके आई गॉट इट, आई गॉट। अच्छा इसमें मैंने हाइट नहीं दी तो क्या हुआ, हाइट मैंने इसको नहीं दी तो कंटेनर ने क्या किया भाई, जो अगर आप कंटेनर को स्पेसिफाई हाइट नहीं देते हो तो वो क्या करता है, वो सारा स्पेस कवर कर लेता है। ठीक है, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इसने सारा स्पेस ही कवर कर लिया। तो ये नहीं, एक यहाँ पर मुझसे गलती होगी कि मैंने कहा कि अगर हम उसको विड्थ नहीं देंगे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। अगर हम उसको विड्थ नहीं देते तो कंटेनर में क्या होगा, कंटेनर के पास वो वैल्यू जाएगी नहीं विड्थ की कोई, तो इससे ये होगा कि कंटेनर की जो यूज़ करता है वैल्यू, वो अगर क्या कहते हैं आपका सारा स्पेस कवर करता है, अगर आपके अंदर आप उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो वो सारा स्पेस कवर कर लेता है। तो इसने यही कर लिया यहाँ पर। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर विड्थ की वैल्यू दे देता हूँ, जस्ट सपोज, मुझे नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसमें विड्थ की वैल्यू देता हूँ तो क्या इसमें कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता। लेट्स सी, जस्ट आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग हियर, तो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला। ओके इट इज़ वर्क, मतलब जो आप यहाँ पर मेंशन नहीं करोगे, ठीक है, जो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन नहीं करोगे, यहाँ पर हमने विड्थ मेंशन नहीं की थी, तो वो आप उसको आप फिर कस्टमाइज कर सकते हो, उसको आप फिर कंटेनर के अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइज बॉक्स, और क्या कहते हैं, टिल द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय बाय एंड पीस।